हाय दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ फॉर्मूला एक जेल का एक बक्सा, जिसको हम लोग अनपैक करेंगे। वैसे तो मैं ये अमेजोन से खरीदा था, लेकिन ये फेडेक्स के द्वारा आया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है फेडेक्स, यदि आप ध्यान से देखेंगे, है ना, ये फेडेक्स के द्वारा आया है। तो इसको आज हम लोग अनपैक करेंगे। और ये फॉर्मूला एक्स का जो वजन है करीबन 1.1 किलो है, और ये आपका जितना भी 150 सीसी से ज्यादा वाला बाइक में आराम से फिट होता है। 150 से ज्यादा मतलब आप 200 सीसी, 350 सीसी, 500 सीसी तक आप इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं और देख लेते हैं अंदर क्या क्या है। तो चलिए फटाफट इसको अनपैक करते हैं। ये मेरा नॉर्मल चाकू जिसमें जंग लग गया है, क्या करूं, गरीब आदमी हूं। तो खुल जा सिमसिम। तो बॉक्स पैक होके आया है इस तरीके से। अब इसको मैं उल्टा देता हूं और निकलता है नीचे से फॉर्मूला एक्स गो पंक्चर फ्री। देख सकते हैं मोटरसाइकिल डाई पैक। ये ट्यूबलेस और ट्यूब दोनों ही बाइक के लिए अच्छा है, मेड इन यूके है, ठीक है। साइड में आपको लिखा रहता है अनलॉक द एक्स फॉर ए पंक्चर फ्री राइड। रिकमेंडेशन कौन कौन से बाइक में ये आता है, ये किस किस बाइक के लिए है, आप देख सकते हैं पॉज करके। यदि आपका यदि पॉज करके देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, इसमें हर बाइक का दिया हुआ है, ठीक है। ये वाला बक्सा, जैसे कि मैं थंडरबर्ड 350 में डालूंगा तो यहाँ पे थंडरबर्ड 350 लिखा हुआ है, है ना दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ISO 9001 सर्टिफाइड है, AI से टेस्टेड है, मेड इन यूके है, हाई स्पीड है, और आपका इको फ्रेंडली है, जीरो साइड इफेक्ट है। पीछे आपका ये डायग्राम दिया हुआ है, दिखाया जा रहा है कि इस जगह पे यदि आपका कहीं पंक्चर हो तो ये ठीक कर सकता है, लेकिन साइड में कहीं पंक्चर हो तो ये ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि ये ट्यूब के लेयर के साथ सटा रहता है। यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है 1299 ही लेगा आपका, डिलीवर चार्ज कुछ नहीं लेगा। तो चलिए यहाँ से ओपन करते हैं, ओपन हियर लिखा हुआ है, यहाँ से ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं अंदर क्या है। फिर से अपना जंग लगा हुआ चाकू हम लोग यूज करेंगे। तो चलिए इसको आप अनलॉक कर लेते हैं, ओपन करते हैं यहाँ से। तो ये यहाँ से स्टिकर काटा मैंने और यहाँ से भी स्टिकर काटा, तो ये बक्सा खुल गया। बक्से के अंदर हम लोगों को क्या क्या मिलता है आप देख सकते हैं। ये है फ्रंट टायर के लिए, आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है फ्रंट टायर 325 ml, ठीक है। इसको आप साइड में रख देते हैं। और यहां पे आप देख सकते हैं ये है रियर टायर के लिए, जो कि है 500 ml का। पीछे का टायर मोटा होता है, वो 500 ml का है। साथ में ये रोलर दिया गया है, इसको पाउच में लगा के आप इसको रोल कर सकते हैं ऐसे ऐसे घुमा के, ठीक है। ये रोलर है, तो ये खुलता कहां से है देख लेते हैं। और साथ ही आपको यहां पे मैनुअल दिया गया है, मैनुअल भी देख सकते हैं आप, यूजर गाइडलाइन है कैसे क्या करना है। तो ये सब यूजर गाइडलाइन है, आप चाहे तो पॉज करके देख सकते हैं। तो YouTube में बहुत सारे वीडियो हैं, आप उसको भी देख सकते हैं यदि यूजर मैनुअल नहीं पढ़ना चाहते हैं। और साथ ही मेरा वीडियो भी देखना जरूरी है, क्योंकि मैं भी आपको बता दूंगा
कि कैसे क्या रिफिल करना है। उसके बाद यहाँ पे देखें, ये है ट्यूब, इससे हम लोग को फिल करना है, मतलब इसको इसमें फिट करके ट्यूब में टायर में डालना है। और ये है आपका वाल्व निकालने का औजार, जिससे कि हम वाल्व निकालेंगे हवा निकालने के लिए। तो चलिए बाइक की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं कैसे भरना है। मेरा बाइक नीचे रखा हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं कि नहीं, नहीं पता, देख लेता हूँ दिखाई देगा कि नहीं। वो देखिए मेरा बाइक नीचे रखा हुआ है। तो चलिए बाइक की तरफ और भर लेते हैं, अपना सब काम करते हैं। तो हम लोग आ गए हैं बाइक के पास और अभी हम लोग खोल लेंगे इसका चाबी, जिससे कि हैंडल फ्री हो जाए। यह है बुलेट 350, आपका बुलेट नहीं है, थंडरबर्ड 350 है रॉयल एनफील्ड का। तो सबसे पहले हम लोग सामने का चक्का का हवा खोलेंगे। तो चलिए हवा खोल लेते हैं फटाफट। इस बल्ब को आप बहुत सावधानी से रख दीजिएगा, नहीं तो बाद में नहीं मिलेगा। जब लगे कि आपको ये जाम हो रहा है, इसको खोलना पड़ेगा और इससे आपको इसको अंदर डालना है। इसको फिर से कंटिन्यू डालते रहिए। Thank you.
करीबन पूरा खत्म होने वाला है ये वाला, थोड़ा सा बचा हुआ है डाल लेंगे। तो बीच बीच में मेरे को ऐसे करके साफ करना पड़ रहा है, इसको डाल देता हूँ। तो इस बार फुल टायर कंप्लीट हो गया है, पहला वाला मतलब फर्स्ट टायर पूरा कंप्लीट हो गया है। तो इसको बढ़िया से पोंछ लेते हैं, पहले पोंछने के बाद इसको थोड़ा साफ कर लेके लेने के बाद हम लोग को बल्ब डालना है अंदर। तो अब इसमें हम लोग बल्ब डालेंगे। तो बल्ब डालने के लिए पहले तो हम लोग को ऐसे ले लेना पड़ेगा इसको बढ़िया तरीके से, और फिर बल्ब को अंदर डाल देंगे। सॉरी, बल्ब उस साइड चले गया है। अब हम लोग को भर लेना है हवा इसमें, फटाफट हम लोग भर लेते हैं इसमें। करीबन हम लोग को 26 प्रेशर भरना है, तो चलिए फटाफट भर लेते हैं हवा। हवा भरने के बाद मिलता हूँ आप लोगों से। अब हम लोग करेंगे पीछे वाला चक्के का फिलिंग। सामने वाला चक्का कंप्लीट हो गया है, पीछे वाला चक्का जैसे सामने वाले चक्के में किए थे वैसे ही पीछे वाला चक्का में भी करना है हम लोग को, सेम प्रोसीड्यूर। जब जाम हो जाए इससे हम लोग को फ्री कर लेना है। फिर से जाम हो रहा है, इसे क्लियर करना है। तो हम लोग का ये कंप्लीट हो गया है करीबन। तो फिर से हम लोग को बल्ब जब भी डाले आप इसको साफ जरूर कर लें, नहीं तो यहाँ गंदगी अटक गया तो मुश्किल है। हवा देने के समय आपको बहुत दिक्कत आ सकती है। इसको सील कर दीजिए फिर से बल्ब को। फिर से हवा डाल दीजिए आप।
हवा भरने के बाद आपसे मिलता हूँ दोस्तों। इसके बाद हम लोग को जाना है 10 किलोमीटर एक ट्रायल में, तो चलिए हवा भर लेते हैं फटाफट। तो चलिए हवा कम्प्लीटली भर चुके हैं और ये सब वेस्टेज जो है ये प्लास्टिक का चीज है, रिसाइकेबल है, तो इसको एक जगह रख के फिर अच्छे से रिसाइकल में फेंक देंगे और इसको आप रख लीजिए, ये कभी काफी काम का है। तो हवा भर ली, अब 10 किलोमीटर हम लोग को 30 का स्पीड में चलाना पड़ेगा, 30-40 जितना स्लो चलाएंगे उतना अच्छा है, और हम लोग घूम के आते हैं। चलिए तो चलिए एक बार देख लेते हैं हवा भर के गाड़ी में कैसे क्या है। सबसे पहले तो हम लोग को निकलना है यहाँ से, गेट खोलना है, इतना गेट वेट। चलिए घूम के आ जाते हैं। हवा बहुत ही ज्यादा कम लग रहा है अभी फिलहाल, अभी 10 किलोमीटर धीरे धीरे ही चलाना है गाड़ी। धीरे धीरे हम लोग चलते हैं, 10 किलोमीटर चलाना है हम लोग को, अभी 3333 किलोमीटर है, जो कि आप देख सकते हैं 3333। से ज्यादा स्पीड में नहीं चलाना है तो गाड़ी, तो हम लोग 40 के स्पीड में ही चला रहे हैं गाड़ी, उससे कम ही चला रहे हैं, 30-35 के हिसाब से। मेरा पेट्रोल खर्चा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन कोशिश तो ये रहेगा कि चार्ज बढ़िया हो जाए। तो हम लोग अभी फिलहाल 2 किलोमीटर आ चुके हैं, अभी 3 किलोमीटर आ चुके हैं, 2-3 देख सकते हैं, 3333 से स्टार्ट किए रहेंगे। तो अभी भी हम लोग चलाना है 7 किलोमीटर, तो मैं धीरे धीरे चला रहा हूँ। चलिए मिलते हैं 10 किलोमीटर सीधे थे उधर। करीबन 5 किलोमीटर हमने आ चुके हैं और अभी 5 किलोमीटर बाकी है, 40 के नीचे भी मैं चला रहा हूँ। जी ऑनेस्ट, मैं 40 के नीचे ही चला रहा हूँ और आपको भी ऑनेस्टली इसका 10 किलोमीटर 40 के स्पीड के अंदर ही चलाना है। यहाँ पे कुछ नया कुछ बन रहा है, मेरे ख्याल से पता नहीं क्या बन रहा है, कुछ किस्म का कुछ बन रहा होगा, जमीन बन रहा है, अच्छा भी लग रहा है देखने में। और ये NS2 है दोस्तों, जो कि आप देख रहे हैं, चलिए 10 किलोमीटर जब होता है तो आपसे मिलते हैं दोस्तों।